नमस्कार, मैं अंजना सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास कार्यक्रम। 5 मैच की रोमांचक टेस्ट सीरीज का आखिरी और 5वां मुकाबला 7 मार्च को होने वाला है। वहीं धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। भारत के पास अभी सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त है। हालांकि रोहित सेना आखिरी टेस्ट में भी अपने नाम कर सीरीज 4-1 से जीतकर एक बार फिर इंग्लैंड और को शर्मसार करना चाहेगी, जबकि इंग्लैंड इस टेस्ट सीरीज को जीत के साथ अच्छे नोट पर खत्म करने की कोशिश करेगी। भारत ने मौजूदा टेस्ट सीरीज में हर मैच में बदलाव किए हैं। रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान और आकाशदीप ने इस सीरीज में भारत के लिए अपना डेब्यू भी किया है। अब आखिरी टेस्ट में भी एक खिलाड़ी के डेब्यू करने की संभावना जताई जा रही है। वहीं देवदत्त पड्डीकल धर्मशाला में कर सकते हैं डेब्यू। 23 साल के भारत के स्टार और युवा खिलाड़ी देवदत्त पड्डीकल इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट में डेब्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। उनको रजत पाटीदार की जगह मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि देवदत्त पड्डीकल कमाल के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। उन्होंने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में जमकर रन बनाए हैं। पड्डीकल ने अपने अंतिम 4 रणजी ट्रॉफी मैचों में से 3 में शतक जड़े हैं और 1 में अर्धशतक भी जड़ा है। पड्डीकल इससे पहले भारत के लिए T20 में डेब्यू भी कर चुके हैं। उनको IPL का भी अच्छा अनुभव है। वहीं इस मैच में जसप्रीत बुमराह की भी हो सकती है वापसी। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी और तेज तर्रार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को चौथे यानी रांची टेस्ट से आराम दिया गया था। हो सकता है कि वह धर्मशाला टेस्ट में वापसी करते हुए नजर आए। धर्मशाला की ठंडी कंडीशन तेज गेंदबाजों को अधिक मदद दे सकती है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।